नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भैया शेवरलेट कंपनी की बस है और आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरी बस दिखाऊंगा और जो इसके ओनर हैं उनसे ही बात करवाऊंगा। और ये बस बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लकी बस रही है इस परिवार के लिए। आपको मैं अभी इसके बारे में पूरी बस दिखाऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। और ये 1954 का मॉडल है, शेवरलेट कंपनी की 4400 बस है ये, उस टाइम पर आती थी। एक तो अभी बात कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दो जी। मैं राव अभय सिंह, रोम भाई रोड, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह यादव, एक्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अच्छा जी। अच्छा, ये अपना जैसे ये बस कौन सा मॉडल है जी? ये बस 1954 मॉडल है। 1954 मॉडल शेवरलेट का। कौन सा मॉडल? शेवरलेट 4400। शेवरलेट ही है ये गाड़ी। अच्छा, शेवरलेट ही है। इसके नंबर हैं RJ 844। RJ 844। ये आज भी आपके पिताजी के नाम से रजिस्टर्ड है गाड़ी। एक चीज़ बताओ, जैसे ये आपके पिताजी नहीं लेके आए थे बस? ये बिल्कुल नहीं लेके आए। कब ले? 1954 मॉडल है, 1954 में ले। अच्छा, 1954 में नहीं लेके आए थे, तो फिर लकी गाड़ी है। अच्छा, अपने आपके परिवार के लिए बहुत भाग्यवान लोग है। जैसे भाई मतलब कि कितना के कमाया होगा इस गाड़ी ने? इस गाड़ी ने हमारे यहाँ इतना पैसा लाती थी, एक शाम को एक बीघा जमीन ले ले। अच्छा, जैसे सुबह चलिए शाम तक इतना, एक बीघा शाम ने जमीन खरीद लो। वाह जी वाह। उस टाइम पर तो खैर देखो गाड़ियाँ हो ही नहीं करती, जैसे आप बता रहे थे भाई, रोड भी कच्चे होते थे सारा। और कोई जैसे आपने चलाई है बस, या आप बैठे हो इस बस में पहले जब चलाया करती? मेरी चलाई भी हुई है, मैं बैठा हुआ। अच्छा, आपने चला भी रखी है ये? अरे वाह जी वाह, मजा आता हुआ चलाते टाइम तो। तब तो इसमें वो रबड़ वाला वो हॉर्न था, पाँव पाँव। अब पहले इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न थे ही नहीं है, ये तो बाद में आए। बैरोड नारनोल चलती थी कच्चे रोड। बैरोड नारनोल चलती थी पहले कच्चे रोड पे। और उससे पहले कहाँ चला करती है ये? शुरुआत वहीं से भी। अच्छा, फिर बाद में कहाँ चलने लगी थी? माजरी कला से नारनोल। अच्छा, फिर बाद में माजरी कला से नारनोल चलने लगी थी। अच्छा, आपने जैसे बस कौन से रूट पर चलाई थी ये? मैं तो ये हमारे गांव तक ले जाते हैं, राम सिंहपुरा गांव है यहाँ से 10 किलोमीटर। अच्छा, मतलब जैसे आप तो शाम ने वैसे ठीक है घर पर ले जा खड़ी कर दी, इस तरीके से लेकर जा चलाइए, पर मतलब आपने इसका एक्सपीरियंस लिया है। डीजल खर्चा कितना क्या रहा होगा उस टाइम पे इसका? पेट्रोल ठीक है। अच्छा, पेट्रोल में चलाया करती है? 1 लीटर में 4 किलोमीटर जाते। पेट्रोल में 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलाया करती है। वाह जी वाह। एवरेज तो देखो आज की गाड़ियाँ भी ऐसी ही दे रही हैं, कोई इतने। और हैंडल से स्टार्ट होती है। अच्छा, हैंडल से स्टार्ट होती थी ये, मतलब इसमें स्लिप वगैरह वाला सिस्टम कुछ नहीं था? वो कुछ नहीं था। और इसका जो इंजन वगैरह सारा प्योर आज तक ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। अच्छा, एक चीज़ बताओ फिर, अब नहीं जैसे ये बस अब भी जैसे देखा जाए तो बहुत ही शानदार है। वैसे देखा जाए इतने साल पुराने हो गए, 66 साल के करीब हो गए इस बस ने, 44 साल वो हो गए और 22 साल ये हो गए, तो 66 साल के करीब हो गए इस बस ने, 68 साल। 68 साल में जैसे गाड़ी इतनी कोई ज़्यादा मरम्मत मतलब गलावट वगैरह नहीं है गाड़ी में? इनकी बॉडी बनवाई थी। अच्छा, उस टाइम पर चेसिस आती थी क्या इनकी? सिर्फ चेसिस ले आए थे, बॉडी बनवाई थी। अच्छा अच्छा, ये कैबिन वगैरह दो आने लग गए पहले जैसे? साइड में शीशे भी नहीं है, इसमें एक पर्दा होते हैं, पर्दा जो बरसात आती थी। हाँ, तो इधर पर्दा लगा लेते, इधर पर्दा लगा लेते। अच्छा, उस टाइम पर ऐसे ये शीशे वगैरह नहीं लगवाते थे? कोई कोई शीशा नहीं था ही नहीं उस समय। अच्छा, ये भी सही चीज़ है जी, मतलब बंदे देखो हालात की बात है, समय की बात है जी। ये तो वो पर्दे रखे हैं गाड़ी में। अच्छा, पर्दे हैं अब भी गाड़ी में? काठ की सीटें हैं इसमें, एक बीच में है कंडक्टर के पीछे, ड्राइवर आगे, दो ड्राइवर के बराबर बैठते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जो उस टाइम के हिसाब से हालात उस टाइम पे, ये लेटेस्ट बस थी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बड़ा मज़ा आया वजह आपने चलाने में एक्सपीरियंस में बात करते हुए। जैसे उस टाइम पर एक चीज़ और भी हो बस, तो कहाँ किसी के पास तो मतलब साधन तो होते ही नहीं थे लोगों के पास, दूर दूर तक लोग देखने आते हो इन चीज़ों को। हाँ, लोग पैदल ही ज़्यादा जाते, किराया भी इतना ज़्यादा नहीं था, पेट्रोल भी उस समय मेरे चार से 70-80 पैसा होता। 70? अच्छा हाँ, नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अंदाजा इतनी पुरानी बात होगी जी, अंदाजा 70-80 पैसे लीटर पर लीटर। आपने तो जी जन्नत वाली ज़िंदगी जी है। 96 पैसे तो मेरे याद है। अच्छा, 96 पैसे तो आपको पक्का याद है? ठीक ठीक, चलो 1 रुपया लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा हद तो हद 1 रुपया, 1 रुपया पर लीटर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी उस टाइम पे। इस बस के जो संचालन एक ड्राइवर था छोटे लाल, पोजिंदा गांव है नारनोल के पास। अच्छा जी अच्छा। और इस पे मेरे चाचा रहते थे, श्री विशंबर दाल जी, मेरे पिताजी से छोटे। अच्छा अच्छा। हम
हमारे गांव से बस अड्डे पे खाना देने आते थे, वो हमें वो 25 पैसे 50 पैसे देते थे। अच्छा अच्छा, उस समय बड़ा आनंद आता था। 25 पैसे जब एक बार उस टाइम बहुत होया करते थे, 25 पैसे तो 25-50 पैसे खाना देने आते थे। तो उस समय हम ले जाते थे, हमारे ये शौक था यार हम जाएँ फिर जाएँ, कल मिलेगा 50 पैसा 25 पैसा फिर मिलेगा। पॉकेट मनी हो जाती थी अपनी उस टाइम के हिसाब से, और अपना ठीक अपना मजा भी लेते हैं और अपना दोनों काम हो जाते हैं, और फिर बस में घूमने का मौका मिलता, शाम को अपना घर पर लेकर जाए। बहुत छोड़ दी थी उस समय शादी। तो आपकी शादी में गई थी या कि नहीं गई है उससे पहले? होगी मेरे से बहुत पहले। अच्छा अच्छा, शादी से पहले ये बंद हो गई थी? जन्म से पहले की। अच्छा, आपके जन्म से पहले की है बस? मेरा तो 61 मॉडल। अच्छा अच्छा, आपका जन्म 61 का है और ये 54 मॉडल है, तो आपके जन्म से भी पहले की है। तो मुझे तो आपके पिताजी का गिफ्ट होगा ऐसे गिफ्ट आपके लिए तो आज के टाइम में? ये सब गाड़ी हमने बेची। अच्छा अच्छा, तो अभी ये बाहर जैसे निकलवाई है, ये मिडवे में खड़ी कर रखी है आपने? ये तो मिडवे में खड़ी हुई है, तो ये मिडवे बंद था। अच्छा जी, ये खड़ी होती है ये चालू है। अरे वाह, मतलब ये इतना शुभ लोग है, जहाँ भी जाता है अगले का वारे किनारे कर देता है। इनकी मैडम आई थी एक, वो कह रहे थे भाई इसको रंग रोगन हम करवा देते हैं, तो खड़ी कर दो ये पुरानी हेरिटेज। ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, वो तो देख लेना जैसा भी समय होगा उसके हिसाब से बात हो जाएगी। बाकी अंदर देख लो इसकी। हाँ दिखाता हूँ जी, दिखाता हूँ बाहर से। इसकी लुक भी एकदम अलग सी है उस टाइम के हिसाब से, जो बस की लुक है वो अलग सी लुक, आज के टाइम में चीज़ें देखने को मिलती नहीं। इसमें मतलब प्योर लोहा होगा? प्योर लोहा। लोहा 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 और लकड़ी, बस दो ही चीज़ें इसके अंदर, वो और कुछ शीशे दो आगे, दो ये तीन चार शीशे टोटल आ गए हैं बस। शीशा है। मतलब थोड़ा आगे पीछे, मतलब खिड़कियों में पर्दे लगाया करते। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से हैंडल डाल के यहाँ से स्टार्ट होया करती है? यो लगाते थे। हाँ, इसमें डाल के अंदर चल जाता होगा हैंडल इसका, वो आर्मेचर सही होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर तो आसानी से स्टार्ट हो जाएगा आराम से, धीरे सी, पता भी नहीं लगता था ये स्टार्ट हो गई। अच्छा, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करती? आवाज़ नहीं करती, आप यहाँ खड़े रहो तो पता ही नहीं लगेगा स्टार्ट है। वाह जी वाह, तो फिर मतलब उस टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया थी। ये साइड में है इसके, ये हैं ये पर्दे लगते थे। अच्छा, ये साइड में जो ये खिड़कियां हैं ये पर्दे होते थे। अच्छा, यहाँ शीशा वगैरह कुछ नहीं था? अच्छा, पर्दे लगाया करते वही इनमें। देखो जमाना उस टाइम पे क्या जमाना था जी, वो 1020 के पिछले टायर हैं, ये पैर पता नहीं कौन से। अच्छा, 1020 के पिछले हैं, अगले भी शायद सेम होंगे लगभग ना, ये छोटे। नहीं नीचे दब गया, उस साइड में हो सके मिल जाए। डेवलप हाईवे का है, डेवलप का है। 68 साल में भी गाड़ी में पेंट टूट गया लेकिन जंग नहीं है अभी कहीं पे भी, ना कोई गड़ावट नहीं है। ये इंडिकेटर वगैरह साइड में, और इसके पेंट भी कराऊंगा, इसमें लिखाओ किसान बस सर्विस। अच्छा, किसान बस सर्विस लिखाओ। वाह जी वाह, ये कह रहा था जी मैं, देखो शेवरलेट 4400 मॉडल है ये। 4400 मॉडल इसका, पता नहीं किस तरीके से कंपनी वालों ने लिखा है, निकाला होगा वो नंबर वगैरह। ये देख लो व्हील वगैरह फ्रंट के, और अंदर से देखो इसका मूड गार्ड कितना बड़ा है। ओ आजीवा, शानदार चीज़ है भाई। लोहा ठेल लोहा बिल्कुल एकदम, कहीं कोई थोत नहीं है इसके अंदर, पूरी पूरी बस में। और सवारी अपने सामान की रक्षा करें। चलो अंदर जाके दिखाऊंगा, अंदर चल के दिखाऊंगा बस में। अरे वाह, खिड़की खुला। अच्छा, ये ड्राइवर के लिए होती थी अगले वाला पोर्शन, ड्राइवर या उसका को पैसेंजर होया? नहीं, जो आगे दो सवारी आगे बैठती थी वो ड्राइवर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये था भाई, ये यहाँ पर दो सवारी बैठ जाती थी और उधर ड्राइवर बैठता था। ये देखो, ईश्वर आपकी यात्रा को मंगलमय करे, सफल करे। ये इधर उर्दू में भाषा में लिखा हुआ, इधर अपना टूल बॉक्स हो गए, शुभ लाभ। ये यहाँ पे नीचे गिर गया, थोड़ा लगा देंगे इसको भी, सीट होगी ये, इधर टूल बॉक्स होगा इसका साथ में, और ये एक सीट और होगी पीछे ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये देखो भाई, छत लकड़ी की छत है, और उस टाइम पे ऐसे बनाते थे बॉडी, ट्रक बॉडी पैंच वगैरह लगा के। वेल्डिंग तो उस टाइम पे, वेल्डिंग तो नहीं होती थी ना जी उस टाइम पे, क्योंकि इसमें ना कहीं भी वेल्डिंग नहीं लग रही गाड़ी में कहीं, लगभग मेरे को जो दिख रहा है। और यहाँ पर भी कुछ अपना टूल बॉक्स या बैटरी बॉक्स ऐसा कुछ था इसके नीचे, सीट के नीचे ही। ये देखो गेट में भी वो लगा रखे हैं ताकि पूरा गेट ना खुला है, डिजाइन के मामले में उस टाइम पर भी बाहर पत्ती लगा रखी है, प्लाई।
मतलब पत्ती सॉरी, ये साथ में एंगल होगी और ये पीछे कंडक्टर सीट होगी, कंडक्टर सीट और यहाँ पे पैसेंजर चढ़ाने सवारी चढ़ जाओ यहाँ से और एक्स्ट्रा। और ये है कंडक्टर सीट, ये लिख रखा है कंडक्टर सीट, ये लिख रहा है कंडक्टर सीट लिख रखा है भाई। यहाँ पर कंडक्टर बैठ जाता था, अपना सवारी चढ़ा, अपना टिकट ली और चलो। लाइट वगैरह लगी हुई इसके अंदर पहले से ही, अंदर से पूरा लोहे का। ये अपना मुड गार्ड के साथ में पूरी सीटें, एक इधर रो होगी, एक इधर रो होगी और साथ में एक रो ये इधर होगी। शीशे नहीं होते थे ये, देखो ये लिखा हुआ यात्री जो बता रहे थे, यात्री गण अपना सामान का की समय में हिफाजत करें, ये अपना लिख रखा है यात्री गण अपने सामान की समय में हिफाजत करें। और ये लिख रखा है भाई आधी सवारी की सीट नहीं मिलेगी, आधी सवारी को सीट नहीं मिलेगी। और इधर लिख रखा है चलती गाड़ी में शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकाले, जैसे आजकल रोडवेज में लिखा होता भाई 1, 2, 3 नंबर सीट पे, मतलब बहुत दिन से होता सोना मना है। यह है पूरी बस, आज ऊपर पूरी सी लकड़ी की सी छत होगी इसकी और साथ में यहाँ बैठ के पकड़ने के लिए, लेकिन इसमें बंदा खड़ा नहीं हो सकता, ये चीज़ है। उस टाइम पर जो बोडियाँ बनती थोड़ा टेढ़ा नीचे हो गए और तब चलते थे, ये पीछे बोर्ड लगाने के लिए हो गया। और ये रहा मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खा के मैं खाक में मिल कर गुलो गुलजार होता है। बढ़िया से ऐसे लिखे होते स्लोगन लिखे होते, पीछे दो गिलास लगे हुए हैं भाई इसमें अंदर तक। और अब इसका दिखाते हैं बैक साइड का, बॉडी में ना आज भी इस तरीके से ना मॉडलिंग वगैरह लगा के तैयार की जाती थी। और पीछे लिखा हुआ पूरा भाई, पीछे सीट दे खिड़की देख लो इसका पीछे का, चढ़ने का ऊपर छत पे, यहाँ से चढ़ भी सकते थे, जैसे ये सीढ़ी होगी बीच में इस तरीके से, और साइडों में से चढ़ सकते थे, बंदे खड़े भी हो जाते थे, लोहे के बम्पर होते थे। ये रहा नंबर इसका RJ844, सुजान सिंह के नाम से आज भी इसके अंदर रजिस्टर्ड है राजस्थान गवर्नमेंट में। ये देखो शीशे के ऊपर ग्रिल लगा रखी है ताकि कोई दिक्कत ना हो, मतलब शीशा वगैरह ना टूटे। यहाँ पर डंडी होती थी लगी हुई और शीशे वगैरह कुछ होता ही नहीं उस टाइम के हिसाब से। तो अपना ये था भाई, जैसे ये गाड़ी का सिंगल एक्सल में होती थी, पिछला टायर सिंगल होता था, कमानी सिस्टम होता था इसका अंदर की साइड से। और ये अपना एक बात है, लकड़ी की बॉडी है, लगभग लकड़ी और उसका है लोहे की पत्ती का मिक्स कर रखा है, लेकिन गाड़ी में ना जंग नहीं लग रहा है सबसे बड़ी बात। ये ऊपर ऐसे लकड़ी का उस पर लिखा भी हुआ बै रोड बस सर्विस बै रोड किसान बस सर्विस बै रोड लिखा हुआ किसान बस सर्विस बै रोड। और यहाँ पे ये कुछ है ना टायर्स वगैरह कुछ लिखा हुआ रो, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखो। और इसमें ये चीज़ें लिखी हुई थी पहले से। और ड्राइवर सीट अगर खुल जाती है तो अच्छी बात हो जाएगी भाई, नहीं खुली भाई। चलो अंदर से चल के दिखाऊंगा आप लोगों को चढ़ने के लिए, पैर रख के यहाँ से शायद ये पेट्रोल टैंक होगा इसका, हाँ ये रहा पेट्रोल टैंक यहाँ से। ये इंजन इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा भाई क्योंकि इंजन ये अगले बोनट है ना खुलता नहीं इसका, और इस कारण ये यहाँ से देखो पूरा डिजाइनिंग के मामले में सही उस टाइम पर डिजाइन करते थे यहाँ पर पैसेंजर ड्राइवर के लिए देखने के लिए। ऊपर लाइट वगैरह ग्रिल वगैरह बनाते थे, ये देखो ग्रिल वगैरह बना के प्रॉपर तरीके से, बढ़िया अच्छी सी बस बनाते थे इसको, ऐसी बात नहीं है। अभी ड्राइवर सीट दिखाऊंगा आप लोगों को, ये देखो शुरू में सेवरलेट का लोगो होगा ऐसे स्टील क्रोम के साथ में, देखो आज भी क्रोम की कहीं कोई साइनिंग नहीं गई है सेवरलेट क्रोम के साथ में। इधर का हेडलैम्प टूट गया है और ये इंडिकेटर होते थे, और ये अपना हेडलैम्प हो गया इसका हेडलाइट। और ग्रिल देखो कैसी बना रखी है लोहे की, मोटी मोटी ग्रिल एकदम, ऐसे पहले डिजाइनिंग होते थे अलग से। रेडिएटर देख सकते हो आप, आगे रेडिएटर भी लगा हुआ है, रेडिएटर के आगे जाली लगी हुई है और पूरा लोहे का। नीचे से दिखा सकता हूँ आप लोगों को, ये हैंडल स्टार्ट थी जैसा कि उन्होंने बताया था, और पेट्रोल के साथ चलने वाली बस थी ये, उस टाइम पे पेट्रोल इंजन आते थे ये हैंडल लगाने के लिए। और इंजन भी काफ़ी बड़ा है मैकेनिकल स्टीयरिंग के साथ में, और अपना ब्रेक सिस्टम सारा अच्छा बना रखा है, एक्सेल वगैरह सारी चीज़ें मस्त, साइलेंसर पीछे गया हुआ है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भाई, डबल टायर डालना चाहो डबल भी लगा सकते हैं पिछले वाला, और सिंगल चाहो तो सिंगल में भी चला सकते हैं हम, वो हमारी मर्जी होती थी, जैसा चाहो वैसा हम इसको ड्राइव कर सकते हैं बस को। ये बह रोड से नारनौल चलने वाली बस थी ये मैं काफ़ी दिन से देख तो रहा था बस को, इसको
पर जैसे ओनर से, जैसे भाई परमिशन लेके ओनर से बात करवाना, क्योंकि जिन्होंने ये चीज़ रखी हुई इतनी पुरानी आज तक भी संभाल के, तो उसके बारे में उसको बताना जरूरी था। लकड़ी की बॉडी साथ में जाले वगैरह लगे, कोई नहीं जाले वगैरह देख लेंगे। और ये इधर देखो स्टेयरिंग हो गया, ये स्टेयरिंग स्टाइलिश स्टेयरिंग के साथ में टी लिखा हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पर अगर दिखाऊँ मैं इसको मीटर, मीटर एक बार साफ कर लेता हूँ भाई। ये देखो अंदर से मीटर, यहाँ पे भी कोई एक नीडल है, एक नीडल यहाँ पे है, एक नीडल ये यहाँ पे दे रखी है, एक नीडल ये यहाँ पे है। ये लिख रखा है गैसोलीन, ये लिख रखा है बैटरी, ये लिख रखा है ऑयल सर प्रेशर, और ये लिख रखा है टेम्परेचर। ये सारा एक से मीटर के अंदर दे रखा है। यहाँ पे इंडिकेटर हो गए, और ये हो गया इसका अपना RPM मीटर हो गया इसका, और 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 90 की स्पीड का मैक्सिमम इसका। और बीच में इसका मीटर दे रखा है, हावर्स मीटर। और ये कुछ अपना होगा टी लिख निकलती इसके अंदर से, कुछ चलता होगा भाई, कुछ अपने वो होंगे उस टाइम के स्विच। ये भी अपना स्विच, सारी चीज़ ओरिजिनल है इसके अंदर, बस के अंदर ये रहा। और ये गियर लीवर देखो, आज भी स्टार्ट गियर लीवर अपना आराम से काम करता है। अरे वाह, सारे लीवर काम कर रहे हैं गियर के। ये हैंड ब्रेक हो गए, हैंड ब्रेक लगाना चाहो तो हैंड ब्रेक भी लगा सकते हैं इसके। वो अपना अपने अपने काम के हिसाब से था सारा सिस्टम इसका। ड्राइवर देखो कितना अंदर की साइड बैठता था, सेफ होती थी ये गाड़ियाँ, सेफ्टी के मामले में सेफ बिल्कुल। ये यहाँ पे बाद में इन्होंने हॉर्न वगैरह या कुछ ऐसा कुछ लगवाया होगा। ये इधर अपना रेस होगी, ये ब्रेक हो गए, वो क्लच पैडल हो गया। ये बीच में कुछ अपना टूल बॉक्स वगैरह, फट्टा कोई भी चीज़ रख सकते हैं। ऊपर भी टूल था काफ़ी बड़ा। लकड़ी की बड़ी अच्छी नक्काशी कर रखी है हर जगह गाड़ी में, ये दोनों तरफ। इधर उधर शुभ लिख रखा है और इधर लाभ लिख रखा है। ये है भाई बस। इधर अपना कोई ये ग्लास वगैरह टूट के गिर गया, यहाँ पे अपना भगवान की अपनी मूर्ति लगा सकते हैं, कोई भी अपने गोड़ गोड़। ये खुलने के लिए साइड में देखे खुल जाते थे ऐसे, ये रहा इसको नट को लूज करके इसको हम खोल सकते थे बाहर, ताकि जो बाहर की हवा है ठंडी ठंडी हवा वो अंदर आए और आराम से अपना बंदा बैठ कर रेस्ट कर सके, काम कर सके। और उस टाइम पे इनके अंदर मिरर भी नहीं होते थे, जो साइड मिरर है वो भी नहीं होते थे इन बसों में। ये देखो ये लिखा हुआ किसान बस सर्विस बहरोड, किसान बस सर्विस बहरोड के नाम से चलती थी बस उस टाइम पे। और जो मैंने आपको बताया था डबल एक्सल टायर का।